वाटर डिफिशियंसी है, उन एरियाज के रिवर में वाटर को ट्रांसफर करना ये मेन कंसेप्ट है। अगर ऐसा संभव हो पाता है, जिसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी है, कई कंट्रीज में इस तरह के प्रयोग हुए हुए हैं, तो इन टेक्निकल फिजिबिलिटी को देखते हुए हम फोर्सी कर सकते हैं कि हिंदुस्तान के सरप्लस एरियाज में, वाटर सरप्लस एरियाज से पानी डिफिशियंट एरियाज में पहुंचेगा और एक रीडिस्ट्रीब्यूशन वाटर का हो सकता है। लेकिन 15 साल होने को इस मामले में अभी तक कुछ खास हुआ नहीं। इसकी बड़ी वजह है इसका बजट, जो करीब 5,60,000 करोड़ का है और यह अनुमान 2005 का था, मतलब 13 साल पहले। अब ये 1.5 गुना बढ़ चुका है, मतलब करीब 8,00,000 करोड़ रुपए। आठ लाख करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है, खासकर हिंदुस्तान जैसे देश के लिए। ये बजट किसी भी सरकार का बजट बिगाड़ देने वाला है, लेकिन इस बजट को लाने का तरीका ढूंढा जा सकता है, वो भी तब जब सालाना नुकसान 1 दशक में इस बजट के कमोबेश बराबर हो जाने का लगता है।